एक बार फिर मिसाइल परीक्षण कर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को ट्रेन में बने मिसाइल सिस्टम से पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। उत्तर कोरिया की सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक मिसाइल छोड़ने का मकसद रेलवे बेस्ड मिसाइल प्रणाली का परीक्षण करना था। इसे उत्तर कोरिया पर किसी भी खतरे या धमकी का जवाब देने के लिहाज से तैयार किया गया है। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राजदूत निकोलस रिवर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल देशों का कहना है कि इस तरह के मिसाइल टेस्ट शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन भी है।